हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है हम उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा, ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे। तो आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो कि होते हैं 90 माइनस थीटा वाले, तीसरा देखेंगे रेसिप्रोकल जैसे टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो वो चीज़ देखेंगे, चौथी हम देखेंगे आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अभी आपको याद करनी पड़ती है। पर मैं जो है आपको ये पांचों चीज़ें जो है ट्रिक से बताने वाला हूँ जिससे आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। और एक बार आपने ये वीडियो शुरू से एंड तक देख लिया, जी हाँ शुरू से एंड तक देख लिया, तो आपको ये परमानेंट याद हो जाएंगे, कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो पांचवी चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे टेबल 0 से 90 डिग्री तक, साइन से लेके कोसेक, मतलब सारे छह रेशियो के बताऊंगा मैं आपको, तो सारे आपके क्लियर कराऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए तो आपको ट्रिक जो है इन पांचों में एक ही ट्रिक है, केवल आपको जो है उसको लिखने का तरीका बदलना है। अब वो ट्रिक क्या है, एक तरह से वो ट्रिक भी नहीं है, वो है सीक्वेंस। आपको जो है ये सीक्वेंस याद रखनी है। अब सीक्वेंस क्या है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की ये जो फॉर्मूलाज होते हैं या आप कह सकते हैं फंक्शंस होते हैं, इनको आपको सीक्वेंस से याद रखना है, और वो सीक्वेंस ये जो है मैंने आपके सामने लिख रखी है, आपको इसी सीक्वेंस से याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले याद रखना है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा। तो यही सीक्वेंस आपको याद रखनी है, जो कि क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आप दो तीन बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो ये तो हुई अपनी सीक्वेंस, अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गई तो आप ये पांचों चीजें निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपन रेशियो पर। तो रेशियो कैसे निकालते हैं उसकी अपन ट्रिक देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेशियो होती क्या है। रेशियो जो है आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री उसी ट्राइंगल में लगता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी 90 डिग्री एंगल बनाता हो। तो ये जो है 90 डिग्री का मैंने एक डायग्राम बता रखा है नीचे, जिसके अंदर देखिए बेस यानी आधार हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया, और थीटा आपको हमेशा गिवन रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए थीटा रख देना है। तो ये तो हुआ इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये आ गया तो फिर आप रेशियो भी निकाल लेंगे। तो चलिए बात करते हैं रेशियो कैसे निकालने हैं। देखिए अपनी जो सीक्वेंस हो गया थी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सीक्वेंस वो याद रखनी है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अपन को लिखना है साइन, एक मिनट, तो लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो ये थी हमारी सीक्वेंस, ये किस शेप में बनी, देखिए हमने कैसे पढ़ा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ये जो है उल्टा सी बन रहा है, तो हमको यही ध्यान रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपने सारे फॉर्मूले निकाल लिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या कर देना है, इसको आप कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। तो ये कर दिया तो इससे क्या बनेगा, देखिए अब ये जो है पी बी और पी डिवाइड बाय एच एच और पी, ये याद रखने में भी दिक्कत है, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा इसके लिए। सबसे पहले तो क्या है, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहली ट्रिक तो ये हुई, क्या थी, जो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये तो हुई अपनी पहली ट्रिक। और अगर आपको ये याद नहीं रहता तो एक फनी सी और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको जो ट्रिक पसंद आ रही है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक एक बार रिपीट कर देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये याद करने के लिए ट्रिक है। तो ये तो हुई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब बात करी जाए हिंदी मीडियम वालों के लिए कि हिंदी मीडियम वाले कैसे याद रखें, तो उसके लिए है लाल ले आ ले लाल बटा कक्का, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक होती है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक होती है। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखिए हमने क्या करा था, इसको कर दिया था अपन ने डिवाइड। तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा क्या बनेगा, तो साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये तो बना साइन थीटा का। ऐसे कॉस थीटा लेना, तो कॉस थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अब बची टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो आपको वैल्यू गिवन रहेगी, ये परपेंडिकुलर रख देना और ये बेस रख देना, तो आपकी टेन की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज बात करी जाए, चलिए एक बार रब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था अपना, अब साइन कॉस टेन तो अपन ने देख लिया, अब बात करी जाए कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा की जो है हमको नीचे से ऊपर लेनी है, तो वो क्या बनेगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी आधार बटा लंब। तो ये किसकी बनेगी, कॉट की। ऐसी सेक की बात करी जाए तो वो क्या बनेगी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटा आधार, ठीक है। और कॉसेक की क्या बनेगी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी उल्टा लेना है आपको, ठीक
ठीक है, यहाँ से अपन उल्टा ले रहे, तो ये क्या बनेगी, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी सा था फॉर्मूला, और आपको देखिए फटाफट रेशियो याद रह गए। अब देखिए आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अपन क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब किसका निकालना है, ये होता है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टैन का, और उल्टा कर दो तो ये कॉट का, ये सैक का, और ये कॉसेक का। तो आपको सारे फॉर्मूले याद है, आपको लिखना क्या है, केवल आपको केवल ये लिखना है, और अगर हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो आप ये लिख लीजिए, तो आपका सीधे शॉर्ट में आंसर निकल जाएगा। चलिए तो ये तो हुई अपनी रेशियो की बात, अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। तो अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए किसी भी दो एंगल को प्लस करेंगे तो उसका सम 90 आना चाहिए, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, वो वाले सारे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करेंगे। तो चलिए इसकी सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, इसको लिखने का तरीका देखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, जिग जैग में लिखना है अपन को, क्या बन रहा है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सीक्वेंस वही है अपनी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो आपको केवल जिग जैग में लिखना है। अब आपको क्या कर देना है इसमें, देखिए मैं वापस बताता हूँ, हमको क्या करना है, यहाँ पर तो लगा दीजिए इक्वल, और यहाँ पर क्या लगा दिया है अपन ने, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और उससे ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने राइट हैंड साइड में इसके सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, तो एक बार अपन वो देख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, और ऐसे इसको अपोजिट कर दे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा बन रहा है, ये देखिए यहाँ से बन गया टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमने यहाँ पर बना दिया। सेम एज ये भी बनाए, तो सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये भी सॉल्व हो गया, और इनका रिवर्स भी अपन ले सकते हैं। तो देखिए कितना ईजी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना, केवल हमको सीक्वेंस याद रखनी है, जो कि क्या है, जिगजैग में है। तो चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक जो है वो हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, यानी जैसे ये अगर एक्स नंबर है तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, ठीक है। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल, तो सिंपल सा है। अब इसके लिए जो आपको सीक्वेंस याद रखनी है वो क्या है, आपको बनाना है यू साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, देखिए सीक्वेंस वही है, लिखने का तरीका बदल गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक यू बनाना है इसमें, ठीक है। तो पहला रेशियो में हमने बनाया था, देखिए रेशियो में हमने बनाया था उल्टा सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें हमने बनाया था जिगजैग, और अब पढ़ रहे हैं हम रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में हमको बनाना है यू, तो उससे हमारे सारे फॉर्मूलाज निकल जाएंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक, इससे हो गया। अब ये क्या है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपना फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करना है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, अपन इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं। सेम एज बात करी जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, जो कि अपन ने यहाँ पर लिख रखा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, तो कितना ईजी हो गया। ऐसे टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, तो देखिए कितने इजीली हमको याद हो गए हैं, और फटाफट आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। तो ठीक है, फोर्थ जो है अपना वो क्या बात कर रहा है, आइडेंटिटीज। मेरा यकीन मानिए, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आइडेंटिटीज़ में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं आइडेंटिटीज़ का। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज़ ही याद नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत ही होता है। तो आज जो है हम सीधी सी ट्रिक लेके आए हैं, ट्रिक वही है, सीक्वेंस याद रखनी है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और हमको जो है अपन को एक इसका फिगर याद कर लेना है, जैसे यू और सी उल्टा सी याद कर रहे थे अपन, वैसे आइडेंटिटीज़ में कुछ कुछ जेड जैसा बनता है। ये देखिए हमारे, मैंने यहाँ पर ये देखिए बना रखा है ये, तो हमको जो है जेड की तरह ही इसको याद करना है। तो क्या बन रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। एक बार वापस पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो बस केवल आपको ये याद रखना है, और आपके सारे फॉर्मूलेस आ गए। तो देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड सब में लगा देना है स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए सबका, यहाँ पर लगा दीजिए इक्वल, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हमारे जो है सारे फॉर्मूला बन गए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या हमने ये बनाया यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल बनाया है। नेक्स्ट बात करें 1 + tan² θ इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो ये भी हम यहाँ पर बना चुके हैं, और 1 + cot² θ इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये भी हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो देखिए कितना आसान था, इसको लिखने की ट्रिक एक बार और बता देता हूँ मैं, हमको क्या करना है, हमने ये तो याद कर लिया साइन, हमने ये तो याद कर लिया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये तो हमने याद कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, यहाँ पर तो लगा दीजिए प्लस, यहाँ पर लगा दीजिए इक्वल, खाली जगह रख दीजिए 1, और सबका कर दीजिए स्क्वायर, तो बस इजी सा है। ये जो इतने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं, आप दो बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए अपने हाथों से, आपको पूरे याद हो जाएंगे, A to Z सारे याद हो जाएंगे।
तो ये था हमारा आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 4-5 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने टेबल पर। अब देखिए टेबल जो है, मैं देखिए आपको पूरी टेबल बताता हूँ। ये पूरी टेबल होती है जिसके अंदर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक 6 होते हैं, और 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री हमको सारी डिग्री में याद रहना चाहिए। कम से कम 90 तक तो याद रहना चाहिए, ये और भी आगे होते हैं पर 90 तक याद रहना चाहिए। तो इस टेबल पर हम बाद में आते हैं, पहले हम ट्रिक देखते हैं इसकी। तो देखिए हमने क्या लिया है, 0, 30, 45, 60 और 90, ये तो हमको याद रहता ही है। हमको केवल साइन थीटा का निकालना है और इससे ही अपन सारे निकाल लेंगे, यानी कॉस साइन का निकाल लिया, कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबका निकाल लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 के निकाल लेंगे अपन। तो अब ये चीज़ भी दिक्कत है भाई, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखिए मेरी मानिए तो ये कितनी 5 ही तो वैल्यू हुई, इन 5 वैल्यू को याद कर लीजिए, मुझे तो याद है 0 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इससे आप जल्दी से टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं होती तो मैं इसकी भी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। हमको क्या करना है, 0 से 4 तक नंबर लिखने हैं। तो पहले नंबर लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सबको डिवाइड बाय 4 कर देना है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या था, 0 से 4 तक लिखना है, तो हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। सेकंड स्टेप करा, सारे नंबर को डिवाइड बाय 4 कर दिया। और लास्ट और थर्ड स्टेप क्या है इसका, सबका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने ले लिया इन सबका स्क्वायर रूट और बस। अब देखिए आप देखेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है, 0/4 होता है 0 और 0 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर बचेगा 0, यानी फर्स्ट वैल्यू अपनी सही निकली। अब देखिए ऊपर वाले का 1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही बचेगा और अंडर रूट 4, ठीक है ना, इसको हमने अलग अलग लिख लिया, तो अंडर रूट 4 का होता है 2, तो 1/2 हमारा राइट आंसर आ गया। अपन 45 डिग्री पर चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 जा 4 होता है, तो ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट नहीं सॉल्व होगा, अपन को डेसिमल में नहीं लेना है तो अपन √2 ही रहने देंगे, तो ये वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री में देखिए √3 अभी कट तो नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर तो √3 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, नीचे √4 जो बचा उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने 2 आंसर आ जाएगा और ये अपनी राइट वैल्यू होगी। ठीक है, और 90 डिग्री में बात करें तो 4 1 जा 4, तो 4 से 4 कट गया, बचा गया √1, √1 करोगे तो वो 1 ही आंसर आएगा। तो देखिए कितनी आसानी से अपनी क्या निकल गई ही, अपनी निकल गई साइन की वैल्यू, जो कि क्या है, 0 1/√2, √3/2 एंड 1। तो एक बार अगर अपन ने साइन की वैल्यू निकाल ली तो कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। तो चलिए अपन देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यूज कैसे निकाली जाए। तो देखिए पहली वाली स्लाइड में अपन ने साइन की वैल्यू निकालना सीख ली, जो कि क्या थी, 0 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब हमको निकालनी है कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखिए साइन की वैल्यू तो अपन ने ऐसे लिखी थी, कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इसको उल्टा लिख दीजिए। तो देखिए 1 वाली वैल्यू कहाँ चली गई, 1 वाली वैल्यू इधर आ गई, ठीक है, √3/2 वाली वैल्यू इधर आ गई, हाफ वाली वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर चली गई और ये वाली वैल्यू इधर चली गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखिए साइन क्या लिखा है, 0 1/√2, √3/2, 1। तो हमने क्या करा है, इसको साइन को ही यहाँ से उल्टा लिख दिया है, 0 1/√2, √3/2 एंड 1। तो देखिए कितनी आसानी से कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट बात करते हैं टेन थीटा की। तो देखिए एक टेन का फॉर्मूला अपना शायद स्किप हो गया इसमें, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, पहले वाली स्लाइड में शायद मिस हो गया, ध्यान में नहीं रहा लिखने में। तो चलिए ये भी इजी है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब इससे अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमको जो है टेन की वैल्यू चाहिए तो साइन अपॉन कॉस रख देंगे, 0/1 = 0 आंसर हो गया। ठीक है, 30 डिग्री निकालनी है तो 1/√3/2 करेंगे, तो 2 से 2 कट गया और आंसर क्या बचा, 1/3। ठीक है, सेम एज 45 में जब ये करेंगे तो 1 से 1 और √2 से √2 कट गया, तो आंसर क्या बचा, 1 बचा। सेम एज 60 डिग्री का करेंगे तो 60 डिग्री में देखिए जब हम इसको अपॉन में करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या बचा, √3 बचा। और लास्ट जो बच रहा है वो बच रहा है 1/0, 1/0। देखिए 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 की बात करी जाए तो ये होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन, यानी ये वो नंबर है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे पास 10 की सारी वैल्यू आ गई। 10 0 डिग्री पे होता है 0, 30 डिग्री पे होता है 1/√3, 45 डिग्री पे 1 होता है, 60 डिग्री पे √3 होता है, 90 डिग्री पे इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन होता है। तो ये तो हुई 10 की बात। अब बात करी जाए कॉट की, तो कॉट में हमको जैसे हमने साइन में कॉस लिखा था वैसे ही टेन में कॉट लिख देना है, यानी हमको
यहाँ पर ये ऐसे ले लो या फिर ये ऐसे ले लो, देखिए वैल्यू सेम ही है, 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से पीछे से लीजिए, 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटी। तो देखिए टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो ये उसी तरह से सॉल्व हो गया, तो हमको कॉट की वैल्यू भी निकालनी आ गई। अब बात करी जाए सेक की वैल्यू, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हमको सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, कॉस का रिवर्स कर देना है, 1/1 को उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही रहेगा, तो इसका आंसर तो सेम हुआ। ठीक है, जब अपन √3/2 को रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 2/√3। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, जिसको अपन √2 लिख दिया। हाफ को उल्टा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/1, जो कि 2 होती है। और यहाँ पर 0 को उल्टा करेंगे, देखिए 0 में एक गड़बड़ है, 0/1 है तो ये तो वैल्यू 0 ही हुई, लेकिन जब अपन इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगी 1/0, जो कि क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये हुई अपनी सेक की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू चाहे तो आप साइन को उल्टा करके निकालिए, 0/1 = ∞। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएंगे, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। पहली ट्रिक तो ये हुई। दूसरी बात करें तो आप देखिए सेक में ये जो ऐसे लिखा हुआ है वो कॉसेक में इस तरफ से इस तरफ लिखा हुआ है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर पूरा आ जाएगा। तो मैंने लगभग लगभग आपको 99% सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब आता है एक एडवांस लेवल का फॉर्मूला, जो कि आपने शायद देखा होगा, साइन ए प्लस बी वगैरह, वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में डाल दूं पूरा डिटेल में विद ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में तो यही था, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो अब लास्ट में आपसे यही करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। देखिए सब्सक्राइब का बटन आपके यहाँ पर शो करेगा और साथ में बेल आइकन भी करेगा, केवल आपको क्लिक करना है और आपको सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलेगी। तो और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो ये रहा दो लिंक आ रहा है, और यहाँ पर चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।